अब हम लोग बाजार दर्शन का आगे पढ़ने जा रहे हैं। आइए देखिए, शून्य होने का अधिकार बस परमात्मा को है, जो सनातन भाव से संपूर्ण है, शेष सब अपूर्ण है। इससे मन बंद नहीं रह सकता, सब इच्छाओं का निरोध कर लोगे, यानी सारी इच्छाओं को तुम समाप्त कर लोगे, रोक लोगे, यह झूठ है। और अगर इच्छा निरोध अस्तपह का ऐसा ही नकारात्मक अर्थ हो तो वह तप झूठ है। वैसे तप की राह में रेगिस्तान की बात होगी, मोक्ष की राह में नहीं। मोक्ष की राह वह नहीं है ठाट देकर मन को बंद कर रखना पड़ता है। लोभ का यह जीतना नहीं है, लोभ का यह जीतना नहीं है कि जहाँ लोभ होता है यानी मन में, वहाँ नकार हो। यह तो लोभ की ही जीत है और आदमी की हार। आंख अपनी फोड़ डाली तब लोभनीय के दर्शन से बचे तो क्या हुआ, यानी आंखों से आपने देखा नहीं, फोड़ लिया और लोभनीय के दर्शन से बचे तो क्या हुआ। ऐसे क्या लोभ मिट जाएगा? और कौन कहता है कि आंख फूटने पर रूप दिखना बंद हो जाएगा? क्या आंख बंद करके ही हम सपने नहीं लेते हैं? लेते हैं। और वे सपने क्या चैन भंग नहीं करते? इससे मन को बंद कर डालने की कोशिश तो अच्छी नहीं है, वह अकारत है, या तो हठ वाला योग है। शायद हठ योग नहीं, इसमें मन कुछ भले हो जाए और पीला और असक्त जैसे विद्वान का ज्ञान है, वह मुक्त ऐसे नहीं होता। इससे वह व्यापक की जगह संकीर्ण, यानी संकीर्ण छोटा हो जाता है और विराट की जगह क्षुद्र हो जाता है। इसलिए उसका रोम रोम मूद कर बंद तो मन की करना नहीं चाहिए। वह मन पूर्ण कब है? हम तो पूर्णता होती है, हमें भी पूर्णता होती है तो परमात्मा से अभिन्न हम महाशून्य ही न होते। अपूर्ण है इसी से हम हैं। सच्चा ज्ञान सदा इसी अपूर्णता के बीच को हम में गहरा करता है। सच्चा कर्म सदा इस अपूर्णता की स्वीकृति के साथ होता है। अतः उपाय कोई हो सकता है जो बलात् मन को रोकने को न कहे, जो मन को भी इसलिए सुने क्योंकि अप्रयोजनीय रूप से हमें नहीं प्राप्त हुआ है। हाँ, मन मानेपन की छूट मन की न हो, क्योंकि वह अखिल का अंग है, खुद कुल नहीं। पड़ोस में एक महानुभाव रहते हैं, एक व्यक्ति रहते हैं जिनको लोग भगत जी कहते हैं। चूर्ण बेचते हैं। क्या बेचते हैं? चूर्ण। यह काम करते जाने उन्हें कितने बरस हो गए हैं, लेकिन किसी एक भी दिन चूर्ण से उन्होंने 6 आने पैसे से ज़्यादा नहीं कमाए। यानी जीवन भर उन्होंने चूर्ण बेचा लेकिन 6 आने पैसे से ज़्यादा वो कभी नहीं कमाए। चूर्ण उनका आसपास सरनाम है और खुद ब खुद लोकप्रिय हैं। कहीं व्यवसाय का गुर पकड़ लेते हैं और उसी पर चलते तो आज खुशहाल क्या मालामाल होते। क्या कुछ उनके पास न होता? इधर 10 वर्षों से मैं देखता रहा हूँ
कि उनका चूर्ण हाथों हाथ बिक जाता है, पर वह न उसे थोक देते हैं न व्यापारियों को बेचते हैं। पेश की आर्डर कोई नहीं लेते, बधे वक्त पर अपनी चूर्ण की पेटी लेकर घर के से बाहर हुए नहीं कि देखते देखते छह आने की कमाई उनकी हो जाती है। लोग उनका चूर्ण लेने को उत्सुक जो रहते हैं, चूर्ण से भी अधिक शायद वह भगत जी के प्रति अपनी सद्भावना का दे देने को उत्सुक रहते हैं। पर छह आने पूरे हुए नहीं कि भगत जी बाकी चूर्ण बालकों को मुफ्त बांट देते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई उन्हें 25वां पैसा भी दे सके। कभी चूर्ण में लापरवाही नहीं हुई, अगर कभी रोग होता भी मैंने उन्हें नहीं देखा, क्योंकि वह ईमानदारी से संतुष्टि भाव से केवल 6 आने ही कमाते थे। और तो नहीं, लेकिन इतना मुझे मालूम होता है कि इन चूर्ण वाले भगत जी पर बाजार का जादू नहीं चल सकता। जो बाजार का जादू है, लोगों को अपने तरफ आकर्षित करता है, वह भगत जी पर नहीं चल सकता। कहीं आप भूल न कर बैठिएगा, इन पंक्तियों को लिखने वाला मैं चूर्ण नहीं बेचता हूँ। जी नहीं, ऐसी हल्की बात भी न सोचिएगा। यह समझिएगा कि लेख में किसी भी मान्य पाठक से उस चूर्ण वाले को श्रेष्ठ बताने की मैं हिम्मत कर सकता हूँ। क्या जाने उस भोले आदमी को अक्षर ज्ञान तक भी नहीं या नहीं, अगर बड़ी बातें तो उसे मालूम क्या होगी। अगर हम आप न जाने कितनी बड़ी बड़ी बातें जानते हैं, इससे क्या हो सकता है कि वह चूर्ण वाला भगत हम लोगों के सामने एकदम नाचीज आदमी हो। लेकिन आप पाठकों की विद्वान श्रेणी का सदस्य होकर भी मैं स्वीकार नहीं करना चाहता हूँ कि वो अपदार्थ प्राणी को यह प्राप्त है जो हम में से बहुत कम को शायद प्राप्त है, पर उस बाजार का जादू वार नहीं कर पाता। माल बिछा रहता है और वह अपने मन अडिग रहता है अगर उसका मन अडिग रहता है पैसे उससे आगे लेकर भीख तक मांगता है। पैसा उससे आगे होकर भीख तक मांगता है कि मुझे लो, लेकिन उसके मन में पैसे की दया नहीं समझती। वह निर्मम व्यक्ति पैसे को अपने आहत गर्म में बिलखता ही छोड़ देता है। ऐसे आदमी के आगे क्या पैसे की व्यंग शक्ति कुछ भी चलती होगी? क्या वह शक्ति कुंठित रहकर सलज ही न हो जाती होगी? बस आज इतना ही, आगे कल।